अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज जो है वो हम सबक अपना दुआ की अहमियत व फजीलत का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला, वही अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा करने वाला और डैश के लायक है, जवाब इबादत है। दुआ से ना सिर्फ बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं बल्कि शैतानी हमलों से भी पनाह मिलती है। बाज़ दुआएं किसी मसलहत की वजह से फौरन कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत का सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। दुआ मांगने से इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है। सवाल नंबर 5 है कि लाइन लगाकर कालम अलफ़ और कालम बे में दी गई मालूमात का दुरुस्त ताल्लुक़ कायम कीजिए। पहला है, हर किस्म की तकलीफ़ में उससे ही मदद मांगी जाए, और कालम बे में दूसरा, उससे ही फरियाद की जाए। दूसरा है कालम अलिफ में, मुसलमानों का अकीदा ये है कि कालम बे में पहला, अल्लाह ताला हर वक्त और हर जगह मौजूद है। नंबर 3, हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाकर बड़ी आजिज़ी से दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला को हमेशा उसके अच्छे नामों के हवाले से पुकार कर दुआ करनी चाहिए। दूसरों के लिए दुआ मांगने से आपस में उल्फत और मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा होता है।